हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है फ्राइडे और फ्राइडे की मॉर्निंग हम 8:30 बजे उठे हैं और इस टाइम बज रहे हैं 9:15। तो अब हम जा रहे हैं, हमारा प्लान बना है कि हम जाके ब्रेकफास्ट करें एज यूजुअल, हमारा फेवरेट ब्रेकफास्ट जो है हलवा पूरी का राशिद स्वीट्स पर। तो हम जाते हैं उधर और नाश्ता करते हैं। हमारी एक दावत भी है, उसको भी हमने अटेंड करना है। तो ये सारा सफर आज का हम आपको दिखाएंगे, तो स्टे ट्यून। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिएगा। मौसम तो ऐसा हो गया ना कि मैं आपको क्या बताऊं। पीछे तो आप देख रहे होंगे क्या सूरत हाल है मौसम की, और रात को हुई है बारिश, थोड़ी थोड़ी सी बारिश हुई है। मैंने कहा कि यार थोड़ा शीशे साफ कर लिए जाए ताकि वीडियो वगैरह अगर गाड़ी से बनानी है वो थोड़ी सही बने। मौसम की ये कंडीशन आप देख सकते हैं, बादल ही बादल है। सुबह में बंदा जब उठता है तो उसकी आंखें सूजी हुई होती हैं, क्योंकि जाहिर बात है आप की नींद डिस्टर्ब हुई होती है पूरे वीक में। जब आप ऑफिस वगैरह जा रहे होते हैं उसके बावजूद भी जो है मैं सुबह सुबह उठ के बैठ जाता हूँ। मौसम चेक करें, बादल देखिए कितने प्यारे हो रहे हैं, खतरनाक किस्म की बारिश आ रही है। बारिश से बहुत डर लगता है, यहाँ पे बहुत बिजली चमकती है। रात में बंगाली रूह तो नहीं आ रही करें जी बादल ये भी हटाते हैं, ऊपर तो मिट्टी हो रही है बारिश के पानी और बूंदों ने कचरा कर दिया आपकी गाड़ी पे। खैर कोई नहीं, इधर से ज्यादा फील हो रहे हैं इस कॉर्नर से। आप अपनी गाड़ी पे ध्यान दें, मैं बादल दिखाती हूँ लोगों को। ये क्या है, ये धुआंधार किस्म की बारिश होने वाली है। और मजे की बात, यहाँ की जो बारिश है शायद इस बारिश में तो बंदा नहा भी ले, जो अभी थोड़ा सा आगे एक दो बारिश शुरू होंगी आगे वो इतनी ठंडी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप उसमें नहाएंगे। हाँ वो सर्दियों की बारिश होती है तो उसमें आप नहाने का सोच नहीं सकते। अभी मुझे लगता है जो एक दो बारिशें होंगी अभी हम उसमें नहा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बारिशों में बहुत तेज वाली जो है बिजली चमकती है। अभी बाहर तेज हवा चल रही है और जो है अभी के ग्लासेस चेक करें आप लोगों ने उठ तो जाते हैं लोग सुबह में जल्दी मगर फिर भी नींद में ही होते हैं समझ रहे सब अब चेक करो ये देखिए क्या तो मजे का मौसम हो रहा है, बस जरा कहीं दूर पिकनिक पे जाया जाए है ना। बात तो सही नहीं ये जी, मौसम चेक कर हम जी पहुंच गए हैं राशिद स्वीट्स। नाश्ता जी आ गया है हमारा, और इसमें एक नाश्ता होता ही है 18 रियाल का, जिसमें आपको चार पूरियाँ मिलती हैं, चने का सालन, आलू का सालन, अचार और हलवा। हलवा हलवा किधर है, ये सालन में डूब गई है, सालन नहीं है तो ऑयल खुश कर देगी थोड़ा। ठीक है, हम अपना नाश्ता एंजॉय करते हैं और मिलते हैं आपसे। इतने मज़े का हो गया था, और हमने नाश्ता कर लिया, अब हम जाएंगे घर की तरफ और घर के पास जो है हम जाएंगे जुम्मा पढ़ने और उसके बाद रेस्ट करेंगे, उसके बाद शाम में दावत के लिए निकलेंगे।
1 hour later. थोड़ी देर पहले तो मैं सही छोड़ के गया था, अब बारिश हो रही है। खैर हमारे पास है छतरी, हम छतरी लेंगे यहाँ से गाड़ी से और फिर जाएंगे नमाज के लिए। यह है हमारी छतरी, छतरी तो ले लिया पर ये खुली नहीं रही, बटन स्टक हो गया इसका। खैर है जी, हम अपना टाइम बचाते हैं और निकलते हैं। ये जी, जिस टाइम से मैं नमाज पढ़ने जा रहा था उस वक्त से जो है ये बारिश हो रही है मुसलसल। अब मसला नहीं है, पूरा भीग जाए तो भीग जाए, छतरी ने एंड टाइम पर धोखा दे दिया। तो जी हम घर आ गए हमने और साथ में मैं अपनी ये छतरी ले आया हूँ, इस पर हम रिसर्च करेंगे कि भाई क्या मसला है, इसको क्यों नहीं खुल रही, ये पड़े पड़े गाड़ी में खराब हो गई है। 5 hours later. तो दोस्तों फाइनली हम रेडी हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं अपनी दावत के लिए। तो दावत हमारी एज यूजुअल है क्योंकि वहाँ पर आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, काफ़ी दफ़ा हमने बारबेक्यू पार्टी की है, तो आज भी सेम बारबेक्यू पार्टी है क्योंकि मौसम के चेंज होने की खुशी में ये बारबेक्यू पार्टी अरेंज की गई है। हमारे यासिर भाई हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं हमारे, तो उनके यहाँ चलते हैं साथ और देखते हैं क्या अरेंजमेंट्स हैं वहाँ पर। उनके घर जाने से पहले कुछ हम उनके लिए ले चलेंगे क्योंकि उधर उनके घर में बच्चे भी हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि खाली आ जाएं, तो इसलिए कुछ ना कुछ खास स्पेशल चीज उनके लिए लेके जाएंगे। अब गया जी कुनफानी, वहाँ से लेंगे कुनाफा और अपने फिर जहाँ दावत के लिए जाना है वहाँ जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं और हम उन्हें कॉल करेंगे और अपना सामान लेंगे उनके लिए जो उनके लिए लिया है और अपने लिए भी लिया है। कुनफानी का कुनाफा। क्या पानी? एक पीस तो देते जाएं। चलो से जी तैयारी हो रहा है। तो जी हम अभी प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है और बाकी इसके बाद जो है ये अंगीठी भी तैयार हो रही है और बाकी रॉ मटेरियल प्रिपेयर हो रहा है। मामला बेहतरीन है। डबल डेकर लोड चल रहा है बारबेक्यू का, दो ट्रेज हैं, एक ऊपर है और एक नीचे। अरे वाह, 2-in-1। क्या बोला तूने? चला जी हमारा बारबेक्यू हो गया रेडी और इसको ट्रांसफर किया जा रहा है बल्क स्टोरेज में और इसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जाएगा। चट्टा बोलता है कच्चा भी जाने दो, अब मैं और नहीं बैठेगा, मैं बैठ बैठ के थक गया, ये तो बातें बना रहा, मैं हिला रहा। ये जी हमारा फिश का लोड लगा है इधर और ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर ट्राई की जा रही है फिश बारबेक्यू। आज माशाल्लाह जी दस्तरखान हमारा सज चुका है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की चटनियाँ, रायता और ऑलिव्स, ग्रीन सैलेड, गार्लिक पेस्ट, फिश सैलेड और चिकन टिक्का। माशाल्लाह। तो दोस्तों हम लोग बारबेक्यू पार्टी से फ्री होकर जस्ट अभी घर पहुँचे हैं और बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छी कंपनी थी हमारी, बहुत अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने ये पार्टी अरेंज की थी, अल्लाह ताला उनके रिस्क में इजाफा करे, आमीन। और यहीं तक का था आज का सफ़र, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा, भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।